Dear students, Assalamu Alaikum. Today we, we continue with our discussion on sale tax. As you remember, sale tax is one of the most important components of our accounting system as it is basically deducted from our customers and deposited with the treasury. We are deducting or collecting sale tax on behalf of different government agencies. Now, continuing with our previous lecture, today we are going to discuss the different types of sale tax, their effect on accounting, and especially on QuickBooks and how to handle them in QuickBooks. If you remember, last time we concluded our discussion with how we register with different tax agencies. Today, we continue with our discussion on sale tax. Now there are two varieties of sale tax. One is called the input tax, and the other is called the output tax. The output tax is the sale tax we deduct from our customers and clients to whom we provide services or products. Jitne bhi clients hai, customers. Hai, जो भी हमसे कोई परचेस कर रहा है हमारी सर्विसेज या गुड्स उससे हम एक फिक्स्ड अमाउंट जो कि एक एजेंसी ने सेट की हुई है हम डिडक्ट करते हैं या हम चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज के ऊपर मिसाल के तौर पे अगर हमारा सेल टैक्स 10 परसेंट है तो हम हर सौ रुपए के ऊपर 10 परसेंट एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और इसको हम कहेंगे आउटपुट टैक्स ये टैक्स हमारा हमारे कस्टमर्स के ऊपर लागू होगा और हम सौ रुपए की चीज़ उसको एक सौ दस रुपये में देंगे दस रुपए हम कलेक्ट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ वो एजेंसी जो कि टैक्स कलेक्ट करती है हो सकता है इस फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी हो हो सकता है प्रोविंशियल हो और ये भी हो सकता है कि ये कोई डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो लेकिन हमने टैक्स कलेक्ट करना है ऑन देयर बिहाफ सो वी आर बेसिकली टैक्स कलेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज ये हमने टैक्स कलेक्ट करना है और एज पर द पीरियड डिस्क्राइब जो भी उन्होंने हमें वक्त दिया हुआ है कि आपने सेल टैक्स कितने दिनों के अंदर डिपॉजिट कराना है हमने ये पैसे जो हमने डिडक्ट किए हैं अपने कस्टमर से और जो उसे हमने चार्ज किए हैं वो हमने गवर्नमेंट एजेंसी के अकाउंट में जमा कराने हैं और सेल टैक्स रिटर्न देनी है ये तो हो गया हमारा सेल टैक्स एक और चीज़ होती है उसे कहते हैं इनपुट सेल टैक्स ये क्या होता है ये वो टैक्स होता है जो हमने अदा किया है अपने वेंडर को जब वेंडर ने हमें कोई चीज़ बेची तो उसने भी सेल टैक्स लगा के बेची है लेकिन जब हम उस चीज़ को इस्तेमाल करके कोई नई प्रोडक्ट बनाएंगे और उस जो भी चीज़ हमने उसे ली है उसको एज अ रॉ मटेरियल ट्रीट करेंगे तो हमें ये फैसिलिटी दी गई है कि हम जो सेल टैक्स अपने रॉ मटेरियल पे दे चुके हैं वो अपने फिनिश गुड में एडजस्ट करवा लें अगर हमने 10 परसेंट सेल टैक्स दिया है और जितनी उसकी अमाउंट है वो हम अपने आउटपुट में एडजस्ट करवा लें ताकि हमारी टोटल लायबिलिटी कम हो जाए ये हमारा इनपुट टैक्स है जो कि हम अपने फ़ाइनल टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं इसके मुख्तफ फॉर्मूले हैं और एजेंसी टू एजेंसी डिफर होते हैं लेकिन आपको यह बताना मकसूद था कि जो सेल टैक्स हमने अपने रॉ मटेरियल पे दिया है वो हम अपने फिनिश गुड में एडजस्ट करवाएंगे नाउ मूविंग ऑन जस्ट टू डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजेंसीज आर देयर दे आर मे बी मेनी टाइप्स बट द थ्री मोस्ट प्रोमिनंट आर फेडरल जो कि सेंट्रल आपकी एजेंसी होती है इन आर केस डैट इज़ द एफ बी आर इसके बाद प्रोविशल जो हर सूबे में अब सेल टैक्स क्लेक्ट करने की मजाज़ है और इसकी एक मिसाल पंजाब रेवनी अथॉरटी भी है इसके बाद डिस्टिक गवर्नमेंट हो सकता है सिटी गवर्नमेंट भी हो जो मुख्त टैक्स लगाने की मजाज़ है और इसकी छोटी सी एग्ज़ैम्पल ये है कि बज दफ़ा ये ऑक्ट्राए आपके ऊपर आयद कर देती हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं जो हमें अपने सर्विस या प्रोडक्ट पे अदा करने होते हैं हमें इनका परसेंटेज भी पता होनी चाहिए हमें इनकी ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि इसका पीरियड कब है कब जमा कराना है और सबसे अहम हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसमें रजिस्टर किस तरह से हों और क्या क्या चीज़ें अगर हम हमने रजिस्टर कराने के लिए ज़रूरी हैं क्या हमारा टर्नओवर देखना है क्या हमारा बिजली के बिल देखने हैं यूटिलिटी बिल्स चेक करने हैं वो सारी चीज़ें हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इसमें हमने देखना है कि हम रजिस्टर कब करेंगे और रजिस्टर करेंगे तो किन किन एजेंसियों में हम रजिस्टर करेंगे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल सो फार वी हैव दीज थ्री एजेंसीज एट थ्री डिफरेंट लेवल्स द फेडरल लेवल द लेवल एंड द लेवल अब ये भी याद रखें कि हमारा सेल टैक्स मुख्तलिफ तरीके से वेरी कर सकता है और इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं ये तमाम चीज़ें जो हमारा सेल टैक्स एक्सपर्ट है उसे पता होनी चाहिए और जब आप अपना क्विक बुक्स में आइटम्स और आपके वेंडर्स और सप्लायर्स और कस्टमर्स सेटअप कर रहे हैं तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको किस तरीके से सेल टैक्स नेट में लेके आना है ये चीज़ आपको सेल टैक्स एक्सपर्ट आपका बताएगा कि कौन कौन से आइटम सेल टैक्स में आते हैं सेल टैक्स के अंदर आपके प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट इसकी परसेंटेज वेरी भी कर सकती है एक चीज़ के ऊपर अगर एक परसेंट टैक्स है तो दूसरी चीज़ के ऊपर सत्रह परसेंट टैक्स हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको आपका सेल टैक्स एक्सपर्ट जो कि आपके अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में मौजूद होगा वो बताएगा कि आपको एक उसमें इसको किस तरह से सेटअप करें इसी तरह सेल टैक्स का रेट सर्विस टू सर्विस भी चेंज होता है हो सकता है कि बहुत सारी सर्विसेज़ पे एक ही रेट लागू हो और बाद सर्विसेज़ पे सेल टैक्स की परसेंटेज फर्क हो जाए यही चीज़ याद रहे कि कस्टमर के ऊपर भी बेस करती है वो किस तरह बाज़ इदारे सेल टैक्स से मुस्तना होते हैं और उनके पास सेल टैक्स के मुस्तना होने का सर्टिफिकेट होता है हो सकता है वो एन हो या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो लेकिन उनको उन कंपनियों को आपको अपना सर्टिफिकेट देना होगा ताकि आप इंश्योर कर सकें कि आपके सिस्टम के थ्रू इनका कोई सेल टैक्स ना कटे एंड एज एन वन रिक्वायर्ड यही सेल टैक्स एग्जेपन सर्टिफिकेट आपने अपनी उस एजेंसी को आगे फॉरवर्ड करना है कि हमने इनको इतनी सेल की है लेकिन हमने कोई सेल टैक्स नहीं काटा बिकॉज दे हैव अ सेल टैक्स एग्जैम्पन सर्टिफिकेट इसके अलावा सेल टैक्स का रेट प्रोविंस टू प्रोविंस भी वेरी कर सकता है इसका आपको कैसे अफेक्ट होगा इसका आपका इस तरह से अफेक्ट होगा कि अगर आप अपने किसी क्लाइंट को डायरेक्ट यहां से माल भेज रहे हैं और यहीं से इन्वाइस कर रहे हैं किसी दूसरे प्रोविंस में तो सेल टैक्स फ़र्क हो सकता लेकिन अगर आप अपनी किसी आउटलेट या किसी लोकल दफ्तर के थ्रू ऑफिस के थ्रू जो कि दूसरे प्रोविंस में मौजूद है आप ये सेल कर रहे हैं तो आपका सेल टैक्स रेट फर्क हो सकता है इन दोनों केसेस में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि पहले केस में आपने एक प्रोविंस से अपनी सेल बुक की है और दूसरे केस में आपने दूसरे प्रोविंस के लोकल ऑफिस से अपनी सेल बुक की है जिस ऑफिस से आपने ये सेल बुक करेंगे आमतौर पर वहाँ का सेल टैक्स आपके ऊपर लागू होगा कि आप वो डिटेक्ट करें इसी तरह सेल टैक्स का रेट डिस्ट्रिक्ट टू तो डिस्ट्रिक्ट भी डिफरेंट हो सकता है और इसका तयन भी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करती हैं तो आपने ये देखा कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर कैन बी मैनी कॉम्बिनेशन विच यू हैव टू लुक इन टू बिफोर फाइनलाइजिंग द टाइप ऑफ सेल टैक्स यू आर गोइंग टू डिडक्ट फ्रॉम योर कस्टमर्स जब भी आप अपने डिपार्टमेंट में बैठ के सेल टैक्स के एक्सपर्ट से अकाउंट्स पेएबल के एक्सपर्ट से और क्विक के एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो पूछेंगे कि इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया तो नहीं है सेल टैक्स काटने का तो हमारे पास और भी क्राइटेरिया है हमारे पास ये क्राइटेरिया है कि जिसको आप सेल कर रहे हैं क्या वो रजिस्टर्ड सेल टैक्स का कस्टमर है या अनरजिस्टर्ड कस्टमर और जिससे आप चीज़ें ले रहे हैं क्या वो रजिस्टर्ड कस्टमर है या अनरजिस्टर्ड कस्टमर है टाइप ऑफ कस्टमर या टाइप ऑफ वेंडर देखते हुए वे भी हमारा सेल टैक्स का रेट बदलता है इसके अलावा बास ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दे आर टैक्स उन्हें टैक्स नहीं देना हमें ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए कस्टमर और वेंडर को मार्क करना है ताकि हमें पता चल सके कि ये कस्टमर या वेंडर किस कैटेगरी में फॉल करता है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड टैक्स एग्जेंट सो दीज आर ओनली सम ऑफ द एंगल्स वी हैव टू लुक इन टू वाइल कस्टमाइजिंग टू हैंडल सेल टैक्स और ये खाली क्विक बुक्स के लिए लागू नहीं है बल्कि ये तमाम अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में ये लागू होता है इसीलिए अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द की डिपार्टमेंट्स क्यों इट एक्ट एज द कलेक्टर ऑफ टैक्स फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज और जस्टिफाई करना है ऑडिटेबल होना चाहिए और पैसे उसने जमा कराने हैं हैंज पर द पीरियड गिवन टू हिम बाय द सेट एजेंसीज सेल्स टैक्स के बहुत सारे शेड्यूल्स हैं और इन तमाम शेड्यूल्स के अंदर कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई परसेंटेज दी हुई है ये हर साल जब भी हमारा बजट आता है भले वो फेडरल हो प्रोविशल हो या सिटी डिस्ट्रिक्ट का हो इसमें मुख्तलिफ रेट्स मुख्तलिफ़ सेल टैक्स के आते रहते हैं जिसे हमें मुसलसल अपना डेटा बेस अपडेट रखना पड़ता है नंबर एक नंबर दो ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारे ऐसा आते हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे सेल टैक्स पे पड़ता है और वो भी हमें एज़ इफेक्टिव डेट देखते हुए इस्तेमाल करना पड़ता है तो ये सारी चीज़ें बड़ी विजिलेंटली देखनी पड़ती हैं एक डिपार्टमेंट को ताकि हमें मेजर बेनिफिट मिल सके सेल टैक्स का और अगर उसका अफेक्ट हो रहा है तो हम अपने कस्टमर्स क्लाइंट को बताएं अगर उसका बेनिफिट हमें हो रहा है तो हम अपने वेंडर्स को बताएं कि आप हमें इसमें किस तरीके से हमें बेनिफिट दे सकते हैं एक छोटी सी मिसाल है हमारी प्रोवेंशल सेल टैक्स की प्रोवेंशल सेल टैक्स के मिसाल हम लेते हैं पंजाब सूबे की वहाँ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पी आर ए वजूद में आई और वो अब प्रोविंस वाइज मुख्तलिफ़ सर्विस पे सेल टैक्स कलेक्ट कर रही है उसने अपने कंप्यूटर सिस्टम भी बनाए हुए हैं उसने मुख्तलिफ मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाए हुए हैं और हर साल ये अपना रेट्स अगर रिवाइज हों तो ये पब्लिश करती है और तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स को भेजती है भले वो होटल हों भले वो डॉक्टर्स हों भले वो ब्यूटी पार्लर्स हों ऑल सर्विसेज आर नाउ टैक्स अंडर पी और ये एजेंसी इसके लिए हमें लोकल जिसे हम कहते हैं प्रोविंशियल सेल टैक्स कलेक्ट करना होता है सेल टैक्स इन वॉइस बनानी होती है कलेक्टेड सेल टैक्स दिखाना होता है ऑडिटेबल भी होना चाहिए एंड वी हैव टू बेसिकली रिमिट ऑल दिस अमाउंट टू पी सो नाउ अंडर दिस एक्ट यू नो एवरी टाइप ऑफ सर्विस इज नाउ कवर्ड एंड इट कैन गो अप और सर्विसेज भी इसके एक्ट के अंदर आ सकती हैं और बाद सर्विस को जीरो डेटेड भी किया जा सकता है जिसका मतलब ये है कि गो वो इस एक्ट के अंदर हैं लेकिन उनकी सेल टैक्स फिलहाल जीरो है विच कैन बी इंक्रीज एज इन वेन डिजाइड तो अब आपको एक छोटा सा अंदाजा हो गया है कि सेल टैक्स इज वन ऑफ द की आइटम्स विद इन क्विक बुक्स एंड विद इन अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट बहुत अहम डिपार्टमेंट है जिसे सेल टैक्स का हर एंगल से और इतने सारी वेरिएशन के साथ पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना है विच शुड बी ऑडिटेबल और टाइमली पेमेंट्स करनी है नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टीज लागू हो सकती ना एज यू नो दैट सेल टैक्स इज Basically, applicable on some annual income as well as on all transactions made throughout the month. PRA was one of the examples, but there can be other examples based on different agencies which collect tax in other provinces as well. So, we have a complete understanding that sale tax. को किस तरीके से हैंडल करना है आपने खुद से कुछ नहीं करना यू हैव टू सिट विद एक्सपर्ट्स और इसको कस्टमाइज करके इसको अपने क्विक बुक्स में डालना है कवरिंग ऑल एंगल्स अगर आपने नहीं डाला तो रिकॉर्ड कीपिंग विल नॉट बी करेक्ट सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द डिस्कशन गोइंग ऑन इन योर सेल्स डिपार्टमेंट दे आर गोइंग टू प्लान आउट एवरी थिंग दे आर गोइंग टू डिस्कस ऑल प्रोडक्ट्स All services, all customers, all vendor types, and then tell you to go about it. So, in the end, please discuss sale tax with your complete accounts department.